सो नमस्कार दोस्तों, मेरा टेक्निकल चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जितने भी नए फार्मर्स हैं आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें, ताकि आप लोग जब भी नए फार्म ओपनिंग करते हैं वो किस तरीके से फार्म बनाएँ और गोडाउन फीड मिल और फीडिंग सिस्टम किस तरीके से लगाई जाएंगी टोटली आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। सो दोस्तों वीडियो पर बने रहे आप लोग। दोस्तों ये वीडियो पर मैंने 3 स्टेप्स पर आप लोगों को दिखाया हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी समझ में आ सके किस तरीके से पोल्ट्री फार्म बनाया गया है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पोल्ट्री फार्म है और पूरी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं एक ही पोल्ट्री फार्म का वीडियो है ये। यहाँ पर दोस्तों 15,000 के 10 फार्म्स ऑलरेडी बनाए गए हैं और यहाँ चिक्स और ग्रोअर के लिए अलग से फार्म है और ये 1.5 लाख कैपेसिटी तक की पहुँच चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो गोडाउन देख रहे हैं, ये गोडाउन से लेकर फीड पहले तो ट्रॉलियों पर भरे जाते थे डायरेक्ट लेबर द्वारा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दो, 15,000 मुर्गियों के लिए अगर आप लोग 2 टन फीड रेडी कर ट्रॉली पर भरना चाहते हैं तो ये सिस्टम आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 10 मिनट के अंदर ही आप लोग 2 टन मटेरियल फीड ट्रॉली पर लोडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से लगाया जाता है, पाइपलाइन फिटिंग किया जाता है। अगर आप लोगों का 50,000 से ऊपर का फार्म है और आप लोग इस तरीके से अगर 6-7 फार्म ओपनिंग करके रखें और आप लोग अगर इस तरीके से ट्रॉली पर ऑटोमेटिक सिस्टम और जो भी फीडिंग सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक इस तरीके से लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही इजी प्रोसेस रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी नए नए फार्मर्स हैं अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म ओपनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप लोगों से कहना चाहूँगा एक गोडाउन रेडी करें और गोडाउन के साथ एक लेयर फार्म बनाने के बाद एक फीड ट्रॉली का ऑटोमेटिक कनेक्शन मोटर कनेक्शन लगाएं, ताकि आप लोगों को लेबर का कोई भी दिक्कतें ना हो। पोल्ट्री फार्म पर दोस्तों अगर आप लोग ऑटोमेटिक मोटर कनेक्शन लगाते हैं फीडिंग सिस्टम के लिए, फीड भरने के लिए भी मोटर कनेक्शन लगाकर अगर सप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे के अंदर ही 15,000 मुर्गियों के लिए जितने भी सिस्टम्स रहेंगे आधे घंटे के अंदर ही आप लोग पूरे मुर्गियों को दाना सप्लाई कर सकते हैं। गोडाउन से लेकर जो मुर्गियों के दाने ट्रॉलियों पर भरे जाते हैं, भरने के बाद फिर से ट्रॉलियों को चलाए जाते हैं हर फीडर पर। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये प्रोसेस करने के लिए लगभग 2 घंटे से 3 घंटे के आसपास रहेंगी, लेकिन अगर आप लोग मोटर कनेक्शन लगाते हैं तो सिर्फ आधे घंटे पर इस तरीके से मुर्गी को दाना डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये वीडियो पर देख रहे हैं और मोटर कनेक्शन से चलाया जा रहा है फीड ट्रॉली। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग लेबर से प्रॉब्लम हो रही है और पोल्ट्री फार्म पर और अगर आप लोग इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ संपर्क करें, बहुत ही ईजी प्रोसेस रहेंगी और आप लोगों को कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगा पोल्ट्री फार्म पर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आगे जाकर आप लोगों को इसी तरीके का हेल्पफुल वरी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाए और आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, जो कि फीड मिल किस तरीके से बनाया जाता है, लेयर फार्म किस तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ फीड ट्रॉली जो ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरीके से लगाए जाते हैं, वो सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाकर आप लोगों को और भी नई नई जानकारी मिल सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।